तो देखो जो मैं फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव है वो है, और जो मुझे सही नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा ऐसे रास्तों पर भी चला लेता हूँ, सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच, इंजन परफॉर्मेंस सब टेस्ट हो जाएगी। ये है बजाज की तरफ से न्यूली लॉन्च पल्सर N150, जिसको कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। ये बाइक जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है, तो आज की इस वीडियो में इस बाइक की प्रॉपर राइड करने वाला हूँ, और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हेलमेट लगा लेता हूँ, यानी कि पहन लेता हूँ भाई। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई भी बाइक चलाएं तो प्लीज़ हेलमेट लगा कर ही चलाएं, कोई भी टू व्हीलर चलाएं, ठीक है। और उसमें भी क्या है, इसको लॉक जरूर कर लीजिएगा अपने हेलमेट को। फीचर बटन देखते हैं, लेफ्ट हैंडर पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, और ये देखो लाइट भी ऑन हो जाती है, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच डेडिकेटेड, यहाँ पर इंजन किल स्विच, और यहाँ पर ये सेल्फ का स्विच। इंजन साउंड सुन लो ना, काफ़ी ज़बरदस्त। क्लच की अगर बात की जाए तो काफ़ी लाइट लग रही है। आइए चलते हैं, इसमें टोटल 5 गियर मिलते हैं 150 सीसी का। इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल BSX फेस 2 वाला FI4 स्टॉक 2 वॉल्व बजाज कंपनी का एक बेस्ट क्वालिटी का इंजन दिया है इसमें। क्लच इसका लाइट है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं, रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रोस सस्पेंशन दिया है, ये देखो। अच्छा, थर्ड गियर पर अगर लो आरपीएम रहेगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है ये बाइक। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया गया है, फ्रंट में ही डिस्क मिलता है, रियर में डिस्क इसमें नहीं दिया गया है। आइए अब मैं इसका ब्रेकिंग टेस्ट करता हूँ। सिंगल चैनल ABS इसमें दिया गया है, तो मैं फ्रंट वाला ब्रेक पहले लगाता हूँ। ये देखो भाई, ये ABS का फ़ायदा है, और रियर वाला व्हील, रियर में ABS नहीं मिलता है, फ्रंट में ABS है, तो किस तरीके से काम किया वो आपने देखा। इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। एक ही वेरिएंट आता है जो कि अभी मैं चला रहा हूँ, इसमें कलर आपको 3 मिल जाएंगे और एक कलर जल्दी लॉन्च होगा नया। टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है, रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, ये देखो। अभी मैं आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दे रहा हूँ इसका राइड का, प्रॉपर राइड जो है बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा, जिसको मैं इसको लॉन्ग रूट पर ले जाएंगे, और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई ये लगभग 40 प्लस निकाल कर आराम से दे देगी, 45, ठीक है, 50 को भी टच कर सकती है किसी किसी कंडीशन में। 14 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी एक्सरूम प्राइस रखी गई है लगभग 1,18,000, तो ये बाइक जो है ऑन रोड लगभग आपको 1,40,000 के आसपास आराम से मिल जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम इसका मुझे ठीक लग रहा है, रियर में ड्रम दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। सीटिंग की अगर बात की जाए तो भाई इसमें सिंगल सीट ऑफर की गई है, तो सीट जो है राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी मैं प्लेन के साथ में राइड कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे रास्तों पर भी चला लेता हूँ, सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच, इंजन परफॉर्मेंस सब टेस्ट हो जाएगी। हाईवे वाली परफॉर्मेंस जो है फिर कभी मैं टेस्ट करूँगा। यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है 120 सेक्शन का जो रियर में टायर दिया गया है उससे। हैंडलिंग इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, लिटरली। हालांकि मैंने इस बाइक में एक छोटी सी चीज़ फील की है भाई, वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
गियर शिफ्ट करने में जो स्पेस दिया गया है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, जो आगे का पंजा है वो थोड़ा सा मेरा फंस रहा है। मैं शूज़ पहने हूँ तो लोग जो हैं शूज़ पहन कर ही चलाते हैं भाई ऑब्वियसली। तो देखो जो मैं फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव है वो है और जो मुझे सही नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से वो मैं बता रहा हूँ। बाकी का देखो अल्टीमेट बाइक है यार, परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी बेहतर है इसकी। इंजन 150 वाला ही है ठीक है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा रिफाइन किया गया है, ट्यून में छेड़छाड़ी की गई है। यदि आप इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका वॉकराउंड देखना चाहते हैं, तो मैंने इसका डेडिकेटेड एक वॉकराउंड किया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूं। तो भाई फाइनली मैंने इस बाइक को चला लिया है और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है ठीक है। सबसे पहले तो मैं यार ये हेलमेट निकाल लेता हूँ। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई मुझे बाइक ये जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी एकदम मतलब परफॉर्मेंस निकाल कर देती है ये बाइक जो है, मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इम्पॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।